फैशन विश्व भर में अपने व्यक्तित्व को दर्शाने का एक जरिया माना जाता है। फैशन हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। ये रोजाना हमारे व्यक्तित्व को दर्शाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। फैशन कई चीज़ों से प्रभावित है, जैसे कि समाज में आए बदलाव, परिवर्तन, ब्रांड्स, आत्मविश्वास, मौसम और स्थिति। फैशन ट्रेंड्स की सफलता समाज में फैशन की समझ और स्वीकारता पर निर्भर करता है। जितनी आसानी से हमने यहाँ फैशन को परिभाषित किया है, क्या आपको लगता है कि इस ग्लैमरस और कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में सफलता पाना इतना आसान होगा? कम से कम इस क्षेत्र में आने के लिए आपको एक उचित समर्पण, कड़ी मेहनत और साथ ही साथ भाग्य और समय का एक अच्छा मिलाप होना चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल के बारे में चर्चा करेंगे, यानी फैशन फोटोग्राफर कैसे बने। क्रिएटिव हट चैनल में आपका फिर से स्वागत है, एक ऐसा विशेष मंच जहां आप फोटोग्राफी के बारे में अधिक जान सकते हैं। एक प्रोफेशनल फैशन फोटोग्राफर का जीवन बहुत दिलचस्प भरा होता है और उसी के साथ साथ तखा भरा और मुश्किल भी होता है। लेकिन एक बार जब आप इस क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करते हैं तो आपको ग्लैमरस शूट के लिए दुनिया भर की यात्रा करने का मौका प्राप्त होता है और साथ ही साथ हाई प्रोफाइल कंपनियां और मॉडल के साथ काम करने का भी मौका प्राप्त होता है। लेकिन अधिकांश लोगों को इस क्षेत्र में स्थापित होने के कौशल का एहसास नहीं है। ये केवल कैमरा का होना या उसे रचनात्मक शूटिंग करने का नहीं है। यहां तक कि फैशन फोटोग्राफी के इंडस्ट्री में काम कर रहे फैशन फोटोग्राफर्स को भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको एक फैशन फोटोग्राफर के रूप में जान लेना चाहिए, जो इस प्रकार है। पहला है शिक्षा। कम से कम आपको अपनी बेसिक स्कूलिंग यानी अपनी 12वीं पूरी करनी चाहिए और इसके साथ ही फोटोग्राफी की कला और उपकरणों की बेहतर समझ के लिए आपको फोटोग्राफी में डिप्लोमा या डिग्री का कोर्स कर लेना चाहिए। दूसरा है फैशन के बारे में अच्छी समझ प्राप्त कर लेना। एक फोटोग्राफर के रूप में आपको अपने कैमरे और उसकी सेटिंग्स में मास्टर होना चाहिए, लेकिन एक फैशन फोटोग्राफर होने के लिए आपको फैशन की कुछ बुनियादी चीज़ों की समझ भी होनी चाहिए, जैसे कि कैसे फैशन की शुरुआत हुई, पिछले दशकों में फैशन कैसा था, हायर स्टाइल्स और मेकअप के बारे में जानना, फैशन की शैलियाँ, प्रतिष्ठित डिज़ाइनर और उनके काम के बारे में जानना और वर्तमान फैशन फोटोग्राफी इंडस्ट्री की समझ। तीसरा है प्रसिद्ध फैशन पत्रिकाओं या मैगजीन्स की जांच पड़ताल करना। प्रसिद्ध फैशन मैगजीन्स में आए छवियों को देखें और उसे समझें, ताकि आप उन फोटो से ना सिर्फ प्रेरित हो पर उसी के साथ आप शूटिंग के दौरान अपनी रचनात्मक भावना को जोड़ सके। मॉडल्स, उनके कपड़े, मेकअप, स्टाइल्स को समझिए, क्योंकि कई बार इनमें से कोई एक या सभी फोटोज को निखरता है। फैशन फोटोग्राफी में प्रसिद्ध लोगों के नाम हैशटैग करें, ताकि आपकी कड़ी मेहनत से आप अपने भविष्य के करियर में उनके साथ काम कर सके। चौथा है लाइट्स की तकनीकों के बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त करें। फैशन फोटोग्राफी में इंडोर और आउटडोर दोनों तरह की शूट होते हैं, इसलिए लाइट्स के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा शूटिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मॉडिफायर्स और डिफ्यूजर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। पांचवा है पोर्टफोलियो। अपना खुद का एक पोर्टफोलियो बनाएं जो डिजिटल और प्रिंटेड दोनों में हो और ट्रेंड्स के अनुसार पोर्टफोलियो भी अच्छी तरह से अपडेट और एडिटिंग कर सके। और जब भी अपने कामों को प्रदर्शित करें, अपने दर्शकों को ध्यान में रखें, जैसे कि वे फैशन की किस शैली में अधिक रुचि रखते हैं। और आखिरी में आता है एक कंपनी में फैशन फोटोग्राफी की नौकरी के लिए आवेदन करें। अब यदि आप अब तक की बताए बातों के साथ तैयार हैं, फिर आप कोई भी फैशन फोटोग्राफी के विभिन्न क्षेत्रों में सम्मानित नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं इस क्षेत्र में फैशन फोटोग्राफी के कौन कौन से विभिन्न प्रकार उपलब्ध हैं, तो देखिए हमारे वीडियो फैशन फोटोग्राफी और उसके विभिन्न प्रकार में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फैशन फोटोग्राफी एक कठिन उद्योग है और किसी भी अन्य नौकरी की तरह कड़ी मेहनत के बावजूद हमें कई बार असफलता का सामना करना पड़ सकता है।
लेकिन ये जरूर याद रखिए कि कठिन परिश्रम, प्रैक्टिस और समय के साथ हम हमारे काम को निखर सकते हैं। इसलिए लगन से अपने काम को पूरी कमिटमेंट और पैशन के साथ करें। फैशन फोटोग्राफी में जुड़े आपके संदेह को हमें बताइए नीचे गए कमेंट सेक्शन पर। हम फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना पहले पहुंचे। और इसी के साथ साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। फोटोग्राफी कोर्सेज और फोटोग्राफी स्पेशलाइजेशन के बारे में आप अधिक जान सकते हैं आप हमारे वेबसाइट www.creativehut.org में, और फोटोग्राफी के आर्टिकल्स, टिप्स, ट्रिक्स, पोर्टफोलियो, फोटोग्राफी से जुड़े और भी बहुत कुछ पा सकते हैं आप हमारे ब्लॉग www.creativehuts.com में। अगली बार फिर मिलने तक खुश रहे, स्वस्थ रहे। अलविदा।